उसने देखा तो उसका नाम मिल गया, उसको भगवान के रजिस्टर में उसको नाम मिल गया कि भगवान जो है क्या करते हैं। तो उसने कहा भगवान जी का नाम नहीं था, भगवान जी के बाद आपने बोला मुझे सुनने नहीं आ रहा, मैंने इतने सारे भक्तों का नाम देखा और मेरा भी नाम था उसमें, आपका नाम नहीं था। ठीक है, उनको माइक दे देना, वो ओके। एक बार जोरदार हाथों से तालियों का सेवा, थैंक यू। ओके, नो प्रॉब्लम। इन्होंने हिम्मत किया इसलिए, नहीं आपका शुभ नाम, व्हाट्स योर गुड नेम? कल्पतरु, बहुत अच्छा। आपने आप जानते हो और आपने हाथ ऊपर किया, ये भी बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। हरे कृष्ण। हनुमान जी ने कहा तुमने कौन सी गाय देखी, गाय के पास तुम बहुत अच्छे से बैठे हैं, तो मैं सुबह लगे भगवान के पास गया और उसमें गाय देखी है, तुम्हें लौटी में उठना करती है उसका गाय देखी जो लोग भगवान को जाता है। वह अच्छी की बात है, वृंदावन महाराज को और गुरु महाराज ने और बहुत ही सुंदर दृश्य से कहा और थैंक यू। ओके, तो इस्कॉन मीरा रोड जो है छोटा सा मंदिर था, 1996 में फुल टाइम ज्वाइन किया। उससे पहले एक जैसे यूथ प्रोग्राम्स होते थे तो मैं वहाँ जाया करता था। तो जैसे ही मैं वहाँ गया तो भक्तों ने बहुत साथ दिया और एज अ स्टूडेंट उन्होंने कहा कि आप एग्ज़ाम का तैयारी मंदिर में रह के करो। तो लगभग दो महीना रोज 4 बजे उठना, स्नान करना, मंगल आरती करना, 16 माला जप, फिर पूरा दिन पढ़ाई, 9 बजे 5 बजे प्रसाद। तो ये 2 महीना हुआ और जैसे ही ये हो गया तो अलग TY के बाद कंबाइंड डिफेंस एग्जामिनेशन, बैंक एग्जामिनेशन, वो सब चालू था। तो कंबाइंड डिफेंस एग्जामिनेशन जो होता है आर्मी का, एयरफोर्स नेवी का, तो उसमें मेरा सिलेक्शन सबसे पहले हो गया। फिर IIM कलकत्ता का भी आया था, पर तब तक देहरादून में ट्रेनिंग चालू हो गया था। तो एज अ कमीशन्ड ऑफिसर 89 से वॉज ऑफिसर हो गया था। तो वो लाइफ भी बहुत एडवेंचरस और बहुत है ना ग्लैमरस होता है और इतना डिसिप्लिन है उसके अंदर। तो आर्मी लाइफ में बहुत कुछ सीखने मिला मुझे, खास करके जब मैं आर्मी में नहीं था, सिविलियन बोलते थे, तब एक और रहने का तरीका होता था, सीनियर से भिड़ जाना और जो है टीचर्स को चैलेंज करना, वो सब हुआ करता था। आर्मी में ये सब जो है वाइप आउट हो गया, एक डिसिप्लिन आ गया और ये डिसिप्लिन आगे जाकर मुझे स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत साथ दिया। आर्मी का डिसिप्लिन क्या है, सही समय पर, सही स्थान पर, सही ड्रेस पहन के पहुंचना चाहिए। यह आर्मी का, चाहे PT है या मास ड्रिल है या ऑफिस है या कहीं और दोपहर का लंच हो या शाम का पार्टी हो, गेम्स हो, तो सही ड्रेस में पहुंचना है। तो अब हमारे चैतन्य महाप्रभु की आर्मी में भी वही है, सही समय पे, सही स्थान पर, सही ड्रेस और सही चेतना के साथ उपस्थित रहना चाहिए, यानी कि तेनादपि सुनी चाहिए। एक चीज़ का लिए ऐड हो गया कि सही जो है मेंटालिटी के साथ उपस्थित होना। तो आर्मी में रहकर बहुत कुछ सीखने भी मिला, पर जो दिन हमने मंदिर में बिताए थे एज अ स्टूडेंट, जब जेब में पैसा नहीं था, ना कोई नाम था, ना कोई हमारे हमको कोई जानता भी था, पर वो दिन बहुत सबसे अच्छे रहे। फिर आर्मी में ऑफिसर हो गए, 600 लोग सैल्यूट मारते हैं, ये बहुत बड़ी बात होता है। गाड़ी होता है,
और बूट पॉलिश करने के लिए एक सोल्जर होता है, रूम साफ करने के लिए, कपड़े साफ करने के लिए, तो ये सब। पर ये ठाट बाट होने के बाद भी रात को जब विश्राम करते थे, आराम करते थे, वही दिन याद आते थे जो कॉलेज के दिन, जेब में एक पैसा नहीं, ना कोई जानता है हमें, पर वो दिन बहुत अच्छे थे। शंख का बजना, सुबह उठना, मंगल आरती में आना, भक्तों के साथ नाचना, प्रसाद पाना, तो ये भूलता नहीं। 6 साल हो गया तो रोज़ यही स्मरण में आया करता था। फिर हमने सोचा कि असली सुख वैसे भगवान की सेवा में है, तो हम क्यों यहाँ पर और समय बिताएं, क्यों हम अपने आप को ठगें, क्यों हम अपने आप को चीट करें। तो आर्मी लाइफ को एक अब्रप्ट, यानी कि बहुत ही अब्रप्ट, आर्मी से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक एक ऑफिसर को बनाने के लिए एक एक दिन 1,00,000 रुपया का खर्च होता है। यानी कि उन्होंने 6 महीना लगभग 400 दिन एक ऑफिसर के ऊपर लगाते हैं, तो इतना पैसा लगता है, क्योंकि उनका ट्रेनिंग में मिसाइल एक मारना होता है, तो कम से कम महीने में हम लोग 20 मिसाइल ये कर लेते हैं, रॉकेट लॉन्चर बोलते हैं, तो वो 1,00,000 रुपया का होता है। तो सरकार ने भी खर्च किया है, पर वो अफसर को आने देते नहीं है। पर फिर भी भगवान का बहुत बड़ा कृपा रहा, और 96 में फुल टाइम हुआ। फिर उसके बाद मीरा रोड में छोटे सेवा से लेके बड़ा सेवा करते करते, प्रभुपाद जी के कृपा और गुरुदेव का कृपा और अर्च विग्रह का भी कृपा रहा कि आज जो है मुझे एक सन्यासी का उपाधि प्राप्त हुआ। 96 फुल टाइम ज्वाइन किया, 97 में हरिनाम दीक्षा नित्यानंद त्रयोदशी का हुआ, 98 में ब्राह्मण दीक्षा हुआ, फिर ये जो है राधा अष्टमी पिछले जो था सितंबर 4 को गुरुदेव ने कृपा किया और जो है सन्यास दीक्षा हुआ। जो मानव स्तर स्टैंडर्ड हैं सन्यासी के लिए बहुत ज़्यादा हाई। अगर हम लोग दृष्टिगत तौर पर उसको अभी समझ नहीं सकेंगे, इतनी हैवी ट्रेनिंग, इतनी हैवी कंडीशंस, इस प्रकार का लोग अपना जीवन जीना होगा, प्रचार करना होगा, उन्हें करना और भ्रमण करना, स्वास्थ्य का भी विकल्प इतना वो रहता रहेगा, उनका आर्थिक बेहतर है, खान पान का आर्थिक बेहतर है, डेली ट्रेवल करना, हर वर्ष में ट्रेवल करना, भाग में ट्रेवल करना, भाषाओं में मजा प्रचार करना, तो मुझे ये महसूस किया है इस कौन में इतनी संज्ञा दिशा मिल रही है, जरूरी है हम लोग समझ सकते हैं उनकी चेतना का, उनके ज्ञान का, उनके समर्पण का, उनके विचार का, उनकी तपस्या का स्तर है, ये अपने आप में स्वयं ही मार्ग का निर्देशन करता है। 8 साल की ट्रेनिंग होती है, 8 साल तक परिवर्तन करता है, कितना महीना होना सिखाया, उसके बाद वो डीटी डी मोशन उसके बाद यही बात से मुझे यही समझना चाहिए कि जो इस कौन की संन्यास विशेषकर महाराज का उपाधि की उपाधि नहीं, ये एक प्रकार से उनके गौ का ही जैसे प्रभावित थे गोस्वामी अर्थात की उपाधियाँ, ये जिन्होंने परिचय अपने गौ का, उन्होंने अपने जो इंद्रियों मन को संयम करके और कोई समर्पण कर रखा है, तुम्हारा हर सौभाग्य है, तुम्हारे द्वारा तुम्हारे हरे कृष्ण। सो छोटा सा क्लास हम जारी करते हैं। जय राधा माधव हो गया या करना है? जय, ये सन्यासी तो है, वो अपना जीवन तपस्या में लगा रहे हैं, हम सबको भी बहुत देर से तपस्या में लगाए हैं। तो आप लोग, तो मुझे बताया गया है कि क्लास आप सबका 7:30 से 8:15 का होता है, पर कुछ कम्युनिकेशन गैप भी रह गया और हेल्थ भी थोड़ा साथ नहीं दिया। वही लोग चलो अच्छा
ओके सो आप सबके उत्साह को देखकर मुझे भी उत्साह हो रहा है, तो 9 बजे तक ये छोटा क्लास रहेगा। तो एक हम आज गोवर्धन लीला के ऊपर चर्चा करेंगे, बड़े संक्षेप में करेंगे, ठीक है, और थोड़ा सा रजय राधा माधव, फिर उसके बाद प्रवचन का प्रस्थान करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय यशोदा नंदन गजननंदन, जय यशोदा नंदन गजननंदन, यमुना तीरा वन जाए, यमुना तीरा वन यमुना तेरा वन जाए, यमुना तेरा वन जाए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरिनाम संकीर्तन की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, इस्कॉन वेशु की जय, इस्कॉन वेशु नव मंदिर निर्माण कार्य की जय, ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद की, गौर हरि प्रेमानंदे महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय। थैंक यू। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं, ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवते उत्तम श्लोके भक्तिरभवते नैष्टके,
ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 10 अध्याय 24 जिसका शीर्षक है गोवर्धन पूजा और श्लोक श्रृंखला हम 1 से लेंगे। तो श्लोक में आए शब्दों का उच्चारण करते हुए श्लोक उच्चारण अनुवाद तात्पर्य की ओर प्रस्थान करते हुए यथामति यथाभक्ति इस पर चर्चा होगा। श्री सुकवाच भगवान् अपि तत्र एव बलदेवेन संयुक्तः अपश्यत निवसन गोपां इन्द्र याग कृत उद्यमान। श्लोक श्रृंखला 1 है। तो या श्री सुकवाच भगवान अपि तत्र एव बलदेवेन संयुक्तः अपश्यान् निवसान् गोपान् इन्द्रयाग कृत उद्यमान श्री सुकवाच भगवान् अपि तत्रैव बलदेवेन समयुक्तः अपश्यात् निवसन् गोपान् इन्द्रयाग कृत उद्यमान इन्द्रयाग कृत उद्यमान। श्रीसुकवाच भगवानपि तत्रैव बलदेवेन संयुतः अपश्यन् गोपान् इन्द्रयाग वैष्णवी माताजी श्री सुकवाच भगवान् अपि तत्रैव बलदेवेन संयुक्तः अपश्यन्निवसान् गोपान् इन्द्रयाग कृत उद्यमान। श्लोक में शब्द और इसके अर्थ इस प्रकार है। कृपा करके आप सब मेरी बात बोलेंगे। श्री सुकवाच श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा भगवान अपि भी तत्रैव उस स्थान पर बलदेवेन बलराम द्वारा समयुक्तः के साथ अपश्यत देखा निवसन
निवास करते हुए गोपाम ग्वालों को इंद्र स्वर्ग के राजा इंद्र के लिए याग यज्ञ के लिए कृत किया हुआ उद्यमान महान प्रयास। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभयचरण अरविंद भक्ति विदान स्वामी श्री प्रभुपाद जी के प्रिय शिष्यों द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद जी के प्रिय शिष्यों की भी जय। 10th कैंटो 14th चैप्टर ब्रह्म विमोहन लीला तक प्रभुपाद जी ने अपना टीका दिया। इसके बाद गोपी परांदन प्रभु, फिर साउथ अमेरिका में प्रचार करने में महाराज, वो सब ने किया है। तो ये उनके शिष्यों द्वारा है। अनुवाद इस प्रकार है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, उस स्थान पर ही अपने भाई बलदेव के साथ रहते हुए कृष्ण ने ग्वालों को इंद्रयज्ञ की जोर शोर से तैयारी करते देखा। तात्पर्य, श्री श्रीधर स्वामी तथा अन्य आचार्यों के अनुसार इस श्लोक में आगत तत्र एव शब्द यह सूचित करता है कि भगवान कृष्ण ब्राह्मणों के उसी गांव में रहने लगे जिनकी पत्नियां ने अपने भक्ति से उन्हें तुष्ट किया था। इस तरह उन्होंने उन ब्राह्मणों को तथा उनकी सती पत्नियों पर कृपा की जो अपने पतियों के सिवाय और किसी से संबंध नहीं रख सकती थी। उसी स्थान पर कृष्ण के पिता नंद महाराज तथा अन्य ग्वाल किसी न किसी तरह इंद्रयज्ञ की भव्य तैयारी कर रहे थे। तभी कृष्ण ने इस प्रकार अपने प्रतिक्रिया व्यक्त की। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोआभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामय्यं ददाति सपदान्तिकम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भव्य संघ इस कॉन्वेशु के ओर से प्रस्तापित यह विशेष रविवार का प्रातःकालीन सत्र में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, अतिथियों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गोविंद जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और जब राधा गोविंद जी हमें चुनते हैं तो हमें इस्कॉन वेशु में सत्संग का में स्थान मिलता है। इसीलिए जो राधा गोविंद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनका, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनका। कहते हैं कि जब मन शांत हो, काम क्रोध लोभ मद मत्सर्य से मुक्त हो तो ये हमारा भाग्य है। यानी कि जब मन अशांत है तो ये दुर्भाग्य है, पर मन शांत है तो ये हमारा भाग्य है। और वही मन जब वश में हो
यानी कि जपा करते वक्त मन लग जाए, सेवा करते वक्त मन में लग मन लग जाए, यानी कि मन वश में हो, तो ये हमारा सौभाग्य है। और उसी मन में अगर हम कृष्ण को स्मरण करें तो ये हमारा अहोभाग्य है। और वो कृष्ण हमें उनके मन में स्मरण करे तो ये हमारा परम अहो सौभाग्य है। तो आज कृष्ण ने हमें स्मरण किया है, इसलिए आज हम आप सब यहाँ पे उपस्थित हैं, उनके छत्र छाया के आदिन आश्रय प्राप्त करें, उनके चरण कमलों में सेवा का सुअवसर प्राप्त करें, और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है, वह सत्संग का श्रवण कीर्तन का लाभ हो रहा है। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि बस चलते फिरते हम आ गए बैठ गए, नहीं, ये भगवान जब हृदय में स्मरण करते हैं तब जाके ये सत्संग का लाभ होता है। प्रभुपाद जी भी अपने जो है सुंदर भजन में इस बात को लिखते हैं, जब आपका कृपा होगा, बड़ो कृपा कैले कृष्ण आदो मेरे प्रति, उसमें वो लिखते हैं जब आपका कृपा होगा तब जो है भागवत के प्रति हमारा रुचि या सत्संग के प्रति रुचि उत्पन्न होगा। ये जरूर राधा गोविंद जी की कृपा है, उन्होंने स्मरण किया है तब जाके हम सब यहाँ उपस्थित हैं। तो ये भागवत का ये सुंदर प्रसंग श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज वर्णन करते हैं। श्री का अर्थ होता है जो सुंदर होता है, तो सुखदेव गोस्वामी महाराज को श्री सुख कहा गया, यानी कि सुंदर सुखदेव गोस्वामी महाराज ने कहा। तो श्री का अर्थ होता है सुंदर, तो प्रश्न उठता है कि कौन है सुंदर। तो यही प्रश्न 500 वर्ष पहले अकबर बादशाह को जो पाश्चात्य देश के इंग्लैंड के राजा ने एक पत्र लिखा भेजा कि आपके इस भारत देश में सबसे सुंदर कौन, तो अकबर बादशाह था, उनके नौ रत्नों में से एक रत्न को बुलाया, तानसेन को। तानसेन से कहा हमारे देश में सबसे सुंदर कौन, तो तानसेन तो तानसेन था और बहुत ही उन्नत कोटि के संगीतकार और एक भक्त भी था। उनका गुरुदेव जो थे हरिदास, स्वामी हरिदास, जो कि ब्रज में आज में भी हम लोग देखते हैं कि बांके बिहारी जी हैं, उनके भक्ति से प्रकट हुए। ये जो स्वामी हरिदास हैं ललिता सखी के अवतार माने जाते हैं, और हम नामाचार्य हरिदास ठाकुर को पूछते हैं, वे ब्रह्मा जी के जो है अवतार माने जाते हैं। तो ये स्वामी हरिदास जो थे बहुत के उनके प्रिय शिष्य में से एक तानसेन हुए, वो तुरंत कह दिया हमारे भारत देश में सबसे सुंदर, घन सुंदर, ब्रज सुंदर, नील सुंदर, श्याम सुंदर कृष्ण है। तो फिर उन्होंने पत्र लिखा, उन दिनों पे व्हाट्सअप नहीं होता था, ये सब नहीं होता था, तो गया तो बोला अच्छा श्याम कृष्ण। पर ये जो जिज्ञासा था कौन सबसे सुंदर, ये अकबर जो कि एक प्रकार से कहे तो यौवन या मोमेडियन या मुसलमान धर्म से युक्त है, वो अपने तरीके से जीते हैं, पर ये प्रश्न एक मन में उनके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न कर दिया। इसके ठीक 6 महीने बाद बोला कि सबसे सुंदर अगर गण सुंदर, श्याम सुंदर, नील सुंदर, ब्रज सुंदर कृष्ण है तो हमें उनसे मिलना है। तो फिर तानसेन ने वहाँ से लेकर आगरा से लेकर शायद चित्तौड़ गए थे, तब वहाँ पर मीराबाई का विवाह हुआ था और उनका सुंदर महल था, वो अपने पति देव के साथ रहते थे। पर मीराबाई प्रसिद्ध थी कि उनके गिरधर गोपाल का सेवा करता था, तो तानसेन और अकबर पहुँचे और अकबर को जो है वो गिरधर गोपाल का दर्शन हुआ, वो भाव विभोर हो गए, इतना सुंदर किसी को मैंने पहले कभी देखा नहीं, और अकबर का क्या सौभाग्य है, उन्होंने अपने गले में बहुत ही सुंदर सबसे महंगा जो मोतियों का माला था पूरे विश्व में वो उठाया, बोला कि ये मेरी ओर से गिरधर गोपाल के लिए भेंट है। तो मीराबाई ने भी आचमन किया उसको और गिरधर गोपाल को भेंट लगाया। केवल ये प्रश्न उनके मन में था सबसे सुंदर कौन है, और उनको भगवान का भी दर्शन हो गया, भगवान के शुद्ध भक्त मीराबाई का भी दर्शन हो गया और उनका जो सेवा है वो भी स्वीकार हो गया। तो सबसे सुंदर कौन, तो ब्रज सुंदर, श्याम सुंदर कृष्ण है। और
सुखदेव गोस्वामी महाराज क्यों सुंदर है, क्योंकि वो भगवान कृष्ण के साथ जो कि इतने सुंदर है, उनके भक्ति में या उनकी सेवा में कोई जुड़ जाता है वो भी सुंदर हो जाता है। इसलिए सुंदर सुखदेव गोस्वामी महाराज ने कहा। तो सुखदेव गोस्वामी महाराज के कोटि के जो भक्त होते हैं वे जब कहते हैं तो केवल कहते नहीं हैं, वह हृदय के गहराई में जाते हैं, और जो हृदय में भगवान का लीला चल रहा है वही आंखों देखा हाल कमेंट्री की तरह कहते भी हैं। और वो जब कहते हैं तो उनका वाणी बहुत ही मधुर होता है और मेघ गंभीर होता है। और उनका वाणी जो है, कभी कभी सब लोग प्रश्न करते हैं, सुखदेव गोस्वामी महाराज ने कथा कहा तो सुखताल में सारे ब्रह्मांड के संत मुनि महात्मा आए तो उन कौन से कंपनी का जो है माइक लगाए थे? अभी माइक की जरूरत नहीं है, उनकी पवित्रता और उनकी वाणी में मधुरता, और भगवान उस प्रकार के, जिस प्रकार से भगवान का वाणी मेघ गंभीर होता है वैसे भक्तों का भी वाणी उस वक्त गंभीर हो जाता है ताकि दूर दूर तक सब श्रवण कर सकते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी महाराज जो कह रहे हैं वो हृदय में देख रहे हैं, और परीक्षित महाराज जी को भी और साथ में सुत गोस्वामी को भी और सारे संतों को, राज ऋषि, देव ऋषि, महा ऋषि सबको सुना रहे हैं। तो कहते कि भगवान अपि तत्र बलदेवेना, भगवान यानी कि कृष्ण को भगवान करके संबोधित कर रहे हैं। भगवान यानी कि जिसके अंदर 6 ऐश्वर्य संपूर्ण मात्रा में, भले सब लोग सोचते होंगे कि ये तो ये छोटा सा लड़का है, पर ये छोटा सा लड़का कैसे है, भगवान है। भग का अर्थ होता है ऐश्वर्य, जिसके पास संपूर्ण धन हो, जिसके पास संपूर्ण सौंदर्य हो, जिसके पास संपूर्ण ज्ञान हो, जिसके पास संपूर्ण यश हो, और जिसके पास संपूर्ण मात्रा में बल हो और वैराग्य हो, वो भगवान कहा जाएगा। तो कृष्ण छोटे से हैं पर साथ साथ ये भी ध्यान में लेके आना चाहते हैं कि वो साधारण सा बालक नहीं है, हमारे जैसे नहीं है, पर उनके पास सारा बल और सौंदर्य, सबसे सुंदर व्यक्ति। और आज हम आप सब थोड़े बहुत सुंदर हैं तो वो सौंदर्य थोड़े समय के लिए हमें देते हैं और लेते भी हैं, है ना। तो ये भगवान है, भगवान तत्र एव, तत्र एव का अर्थ यहाँ पे तात्पर्य में गोपी परानंद प्रभु और स्पष्ट कर देते हैं श्रीधर स्वामी महाराज के, कहते हैं कि दीपावली के एक दिन पहले, या दीपावली के एक दिन पहले नहीं, दीपावली के दिन ही ये लोग बहुत 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 दूर गए थे, जानबूझ के बहुत दूर गए थे। कहाँ तक गए थे? तालवन तक गए थे, और तालवन में वहाँ पे जो है जो धेनुकासुर का वध किया, और तालवन वृंदावन से बहुत दूर है और मथुरा से बहुत नज़दीक है। और फिर उनको भूख लगी तो बोला कि जाइए बाजू में जो है ब्राह्मण लोग क्या कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं आप। पर ब्राह्मण जब यज्ञ कर रहे थे वो कंस के भय से कंस के लिए यज्ञ कर रहे थे, और यहाँ पे जब कहा कि बलराम जी को भूख लगा है तो उन्होंने बोला चल हटो, हम कोई बलराम बलराम को मानते नहीं है। तब जो है कृष्ण कहते हैं कि जा के ये जो है द्विज पत्नियों से, ब्राह्मण पत्नियों से को, तो ये पत्नियां जो है तुरंत क्या किया, जलेबी, रसगुल्ला, मिठाई लिख रहे, कहाँ जा रहे हो, अरे कंस के लिए, कंस के लिए। पर वो सब लेकर कहाँ भागे, कृष्ण के पास, कृष्ण बलराम। अच्छा, अब ये ब्राह्मण है और ये गोप ब्राह्मण पत्नियां हैं, ब्राह्मण को वेद शास्त्र सारा सब कुछ पता है, उनको ये भी पता है शास्त्र कहता है कि कृष्ण भगवान है, ईश्वर, हाँ भगवान ईश्वर जो है कृष्ण है। और ये गोप पत्नियां उन जो है उनको इतना ज्ञान नहीं है, फिर भी वो कैसे सेवा के लिए तत्पर हो गए। और दूसरी बात यह है कि ये ब्राह्मण जो थे वो फंस कैसे गए, अटक कैसे गए, उनको मालूम है कृष्ण और बलराम साक्षात भगवान है, अनंत शेष हैं, तो उनका सेवा हमें करना चाहिए, ये तो स्पष्ट है, उनको पता है। फिर भी ये जो है द्विज पत्नी कैसे अटके नहीं, फंसे नहीं, और वो सेवा में चले गए।
इसके पीछे कारण यह है, भले वो ब्राह्मण है पर वो भक्त नहीं है। अच्छा, वो भक्त क्यों नहीं है? क्योंकि वो भक्तों के द्वारा कथा सुनते नहीं हैं। अच्छा, तो ये लोग कौन से बड़े भक्त बन गए? ये जो ब्राह्मणी थी इनका जो है मथुरा के नज़दीक घर है, राधा रानी और ललिता सखी और विशाखा, तुंग विद्या, ये सब जब जाते थे मथुरा में दही सब भेजने के लिए, तो लोग रोकते थे, बैठो थोड़ा सा जो है, उन दिनों तो चाय पानी तो नहीं होता था, छाछ पी के जाइए, तो इस प्रकार से फिर बोलते थे आज कृष्ण ने क्या लीला किया। तो शुद्ध भक्तों से कथा सुनते 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 इनके पास भले ज्ञान नहीं था पर कृष्ण के प्रति उनका आकर्षण हो गया। और जब उनको पता लगा कि कृष्ण तालवन में देनुकासुर का वध किया और भूखा है, तो बोला ये मौका हम हाथ से जाने नहीं देंगे, हम यहाँ तक आए हैं यहाँ फंसने के लिए नहीं, यहाँ से आगे जाने के लिए। वो सीधा भगवान की सेवा में आ गए। तो इसी प्रकार से हमें भी भगवान के भक्तों से कथा अगर सुनते रहेंगे तो भगवान जब सामने आएंगे तो सेवा से हम चूकेंगे नहीं। ये भले ज्ञान विद्वान थे पर भक्तों के मुख से कथा नहीं सुनने के कारण वो फंस गए, अटक गए। कंस का भय उनको, कंस का बल को पता है उनको, पर कृष्ण का बल उनको पता नहीं था। पर ये जो है, हमें भी भगवान के भक्तों से कथा श्रवण करते रहना चाहिए। और जब भगवान अर्च विग्रह की सेवा में भी रहेंगे तो सेवा में हम कमी नहीं रखेंगे, सीधा सेवा में लग जाएंगे। सेवा में कमी है क्योंकि श्रवण में कमी है, तो श्रवण करते रहेंगे, सेवा मिलेगा, कृपा मिलेगा। तो ये जो है मनुष्य शरीर हमें मिला है, हम यहाँ तक आए हैं, आत्मा जो है अनेक 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 योनियों को पार करके मनुष्य शरीर यहाँ तक अगर हम आए हैं, यहाँ पे रुकने के लिए नहीं, बस एक और कदम लेना है, कथा श्रवण करना है और भगवान की सेवा में लगना है और अपने जीवन को सार्थक करना है। तो ये गोपियों ने, ये ब्राह्मणों ने सिद्ध कर दिया, ये जो है ब्राह्म पत्नी जो थी, द्विज पत्नी थे, कर दिया। पर कहते थे तत्र एव, उसी स्थान पर कृष्ण और बलराम ठहर गए। तो ये इंद्र का पूजा कहाँ हुआ? उसी गांव में हुआ, तालवन के नजदीक, मथुरा के नजदीक उस गांव में हुआ। तत्र एव, और सारे गोप लोग नंद महाराज के साथ कहां पहुंच गए? उस स्थान पर आ गए। अब तत्र एव बल देवे न संयुक्त, अब कृष्ण और बलराम देख रहे, अरे 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 अरे, मेरे पिताजी के साथ साथ मेरे पिताजी के बड़े भाई छोटे भाई सब लोग आ गए हैं। नंद महाराज के दो बड़े भाई हैं और दो छोटे भाई हैं, वो बीच के हैं, परजन्य उनके जो है कृष्ण के दादाजी लगते हैं, परजन्य के पुत्र नंद महाराज, फिर उपनंद, फिर सुनंद, फिर अलग अलग नंदन करके पांच भाई हैं। तो ये सब लोग, और साथ ही साथ पूरे ग्वाल आ गए। तो बलदेव और कृष्ण, अब सुखदेव गोस्वामी महाराज जब कह रहे हैं, वो देख रहे हैं हृदय के जो पर्दे में, हाँ थिएटर में वो देख रहे हैं, स्क्रीन में देख रहे हैं, और जब सुखदेव गोस्वामी महाराज ये कथा कहते हैं तो परीक्षित महाराज अपने हृदय के स्क्रीन में देखते हैं। तो क्या देख रहे हैं? बलदेव के साथ कृष्ण और बलराम देख, अरे 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 मेरे पिताजी, ये सब गोप हैं, ये सब गोकुल के वासी हैं, और ये लोग कर क्या गए? पश्यतान निवासान गोपान, सब लोग आ गए, गोप लोग आ गए, बोल रहे हैं ये गोप जो हैं इतने नादान हैं, अरे इनको ये पता नहीं है इंद्र तो केवल एक देवता है और कृष्ण के ब्रजवासी होना कितना बड़ी बात है, ये तो देवता है। 33 कोटि जो देवता में से एक है ये इंद्र, और ये ब्रजवासी से सेवा स्वीकार कर रहा है, इंद्र के औकात क्या है कि ब्रजवासियों से सेवा करें? देखिए समाज में, मनुष्य समाज में ब्राह्मण होते हैं समाज के गुरु, पर ब्राह्मणों के गुरु सन्यासी होते हैं, सन्यासियों के गुरु ब्रजवासी होते हैं, और ब्रजवासियों के गुरु कृष्ण होते हैं, कृष्ण के गुरु गाय होते हैं। ये जो है हायरार्की है। अब जो है कृष्ण जो हैं वो सोच रहे हैं कि ब्रजवासी बहुत ही ऊंचे हैं,
है ना। पर ये ब्रजवासी जो है बनना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अच्छा, ब्रजवासी जो हैं वो गोलोक से आए हुए हैं कृष्ण के साथ लीला करने के लिए। अच्छा, अब गोलोक जो है पूरे जो है सृष्टि का राजधानी है, पूरे वैकुंठ का राजधानी जो है गोलोक है। अब पूरे सृष्टि में एक चौथाई क्या है, भौतिक जगत, तीन चौथाई जो है आध्यात्मिक जगत, उसमें वैकुंठ कहते हैं। तो वैकुंठ आता है, फिर वैकुंठ के बाद अयोध्या आता है, फिर अयोध्या से बढ़कर द्वारका होता है, द्वारका से बढ़कर मथुरा, और मथुरा से बढ़कर गोलोक वृंदावन। अच्छा, तो जो गोलोक वृंदावन के वासी हैं वो लोग टॉप क्लास के हैं, और ये इंद्र जो है वैकुंठ वासी भी नहीं है, वो तो स्वर्गवासी हैं भौतिक जगत के। तो इनका क्या औकात है? अभी अगर किसी का घर सबसे महंगा स्थान पर हो, सबसे महंगा कहाँ पे, स्विट्जरलैंड मान लो कि स्विट्जरलैंड है, और कोई जो है कौन सा है या बॉम्बे, सूरत से महंगा बॉम्बे है या सूरत, सूरत बॉम्बे से महंगा है या बॉम्बे सूरत से महंगा है, बॉम्बे सूरत। अच्छा ठीक, ले पहला मान लो कि कोई स्विट्जरलैंड में का रहने वाला और वहाँ का सेठ है, स्विट्जरलैंड का सेठ है, और एक व्यक्ति मान लो कि सूरत का झोपड़पट्टी में रहता है। अब वो सूरत का जो झोपड़पट्टी में रहने वाला व्यक्ति का अगर कोई पूजा करेगा, स्विट्जरलैंड वाला बोलेगा अरे ये पागल आदमी है, स्विट्जरलैंड वाला तुरंत बोलेगा अरे किसका पूजा करना है, इसको अक्ल नहीं है। अब वही हो रहा था, ये जो है इंद्र ये तो भौतिक जगत का एक देवता है, और गोलोक वृंदावन के वासी तो टॉप क्लास होते हैं, और ये इंद्र ने इनको इतना बेवकूफ बना दिया कि गोलोक वासियों को या गोकुल वासियों के ब्रजवासियों का सेवा ले रहा था। यानी कि ये सूरत का झोपड़पट्टी वाला ने ऐसा दिमाग घुमा कर दिया, फिरा दिया स्विट्जरलैंड वाले का कि वो झोपड़पट्टी वाले का सेवा हो रहा है। तो कोई बुद्धिमान व्यक्ति बोलेगा अरे अरे कुछ तो गड़बड़ है। तो कृष्ण तो सबसे बुद्धिमान है, तो कृष्ण और बलराम ये देखे और तब जाके इसे बोला कि अभी तो इसको रोकना ही है। बहुत सारे तर्क देते हैं कृष्ण और बताते हैं कि देवी देवता कौन होते हैं और देवी देवता का पूजा क्यों कर रहे हैं। तो कृष्ण और बलराम को नंद महाराज और ये लोग चुप कर देते, चुप आप बच्चे लोग साइड में रह जाओ। पर कृष्ण अकड़ जाते हैं, और कृष्ण जब अकड़ जाते हैं तो ब्रजवासी भी, और कृष्ण ऐसा नहीं कि एरोगेंट हो जाते हैं, कृष्ण इतना के अंदर इतना मिठास है कि वो ब्रजवासी वहीं पे बोले ठीक है ये जो है इंद्र पूजा हो रहा है। इंद्र पूजा होता है तो इंद्र का एक ध्वज लगता है, जैसे मायापुर फेस्टिवल आरंभ होता है तो एक ध्वज लगते हैं, गरुड़ ध्वज लगाते हैं, तो इंद्र का एक ध्वज लग गया था। तो बोला कि ये सब किसके लिए, बोला इंद्र पूजा होगा, अन्नकूट होगा, इंद्र खाएंगे, फिर बारिश आएगा, फिर बारिश आएंगे तो घास आएगा, घास आएगा तो गाय खाएंगे, फिर दूध मिलेगा, दूध भेजेंगे, मक्खन मिलेगा, ये वो सब पैसा सब आएगा, दूध से दही, दही से छाछ, छाछ से मक्खन, मक्खन से घी, ये सब इनके पनीर वगैरह सब मिलेगा, ये सब इनके कारण होता है। कृष्ण बोलेगा अरे 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 आप स्विट्जरलैंड वाले और ये सूरत का जो झोपड़पट्टी वाले का पूजा कर रहे। तो बोला ठीक है हम लोग आज से इंद्र का पूजा नहीं करेंगे। देखिए अगर इंद्र बारिश देता है तो उन्होंने तर्क देना दिया, अगर इंद्र बारिश देता है तो हमारे गोवर्धन के ऊपर भी देता है, ब्रज में भी देता है, और यमुना के ऊपर भी देता है, समुद्र में भी देता है। तो मुझे ये बताओ यमुना नदी ने कौन सा यज्ञ किया और समुद्र ने कौन सा यज्ञ किया? इंद्र का काम है बारिश देना, वो देगा। तो नंद महाराज सोचे थे बात तो ठीक है, अगर आपको कृपा खिलाना पिलाना है तो किसको खिलाना है? तो बोला गोवर्धन को। तो रीजन देते हैं गोवर्धन को इसलिए खिलाना चाहिए क्योंकि गोवर्धन में स्पेशल स्पेशल घास आता है, और भागवत में वर्णन आता है, भागवत के ये जो दामोदर लीला का पहला श्लोक आप देखोगे, दामोदर लीला कौन से चैप्टर में आता है, 13th चैप्टर ना, 13th या 14th, हाँ
नाइन्थ चैप्टर, उसका पहले श्लोक में प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि ऐसे सुंदर सुंदर घास है वृंदावन में, जिसे कहा कि गाय के दूध जो आता है वो फ्लेवर वाला आता है, इलायची फ्लेवर या केसर फ्लेवर, अलग से गाय फ्लेवर डालना नहीं पड़ता है, पर आज उस प्रकार का घास आता नहीं है, इसलिए गाय का दूध आता है तो इलायची फ्लेवर, केसर फ्लेवर, फिर अलग अलग फ्लेवर होता है, पिस्ता फ्लेवर डालना पड़ता है, पर पहले ऐसा था। आप वो तात्पर्य में देख सकते हो, फ्लेवर्ड मिल्क आते हैं तो बोलते हैं गाय गोवर्धन जो है स्पेशल स्पेशल घास देता है, और उसके अंदर इसके कारण जो है गाय मोटे तगड़े होते हैं और ये सब होता है। तो नंद महाराज पूरा इनकी बातों में आ जाते हैं। कृष्ण जब बोलते हैं तो सब लोग सुन लेते हैं, तो सुनना ही पड़ता है, और जो कृष्ण का नहीं सुनता है उनको तो चाहे वो राधा रानी भी क्यों ना हो उनको भी कष्ट मिलता है। तो कृष्ण की बात ये लोग सुन लिया पूरा का पूरा। कहते हैं कि ये जो कमरा है इतना खीर बनाता है, और ये जो कमरा है उतना हलवा बनाता, जलेबी बनाता, पराठा बनाता, पुलाव बनाता, और गोवर्धन को अर्पण किया गया था। जब गोवर्धन को अर्पण किया गया था तो गोवर्धन ये सब जो है, कहते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं कि कृष्ण बलराम वहीं पे थे, और ऐसा भी वर्णन आता है कि वो जो था वो गांव जो था अनियोर गांव है, अनियोर गांव है, आप भी परिक्रमा मार्ग में आ जाता है। तो जब भोग लगाया तो एक सेकंड में पूरा टांकी खाली, और गोवर्धन चिल्लाने लगा अनियोर 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 करता होता है, और चाहिए और चाहिए। अब नंद महाराज देख रहे हैं गोडाउन खाली हो गया फिर कृष्ण बोले नहीं और खिलाओ और खिलाओ। तो फिर से सब लोग दो मिनट में बना दिया, मैगी से भी फास्ट फिर से, और फिर से गोडाउन में जितना बचा हुआ सामग्री था वो सब खाली अनियोर। अब नंद महाराज देख रहे, एक तो इंद्र उनका पूजा नहीं हुआ उनको आ गया गुस्सा, और दूसरा इनका पूजा हो रहा है ये तो पूरा गोडाउन खाली कर दे, ये भी प्रसन्न नहीं हुए और चिल्लाया अनियोर। तो सब लोग टेंशन में देख रहे थे, सब लोग जो है कृष्ण की ओर देख रहे हैं, और कृष्ण बलराम की ओर देखते हैं, और बलराम कृष्ण की ओर देखते हैं, और सबकी ओर देखते हैं, और बलराम जो है तुरंत एक छलांग लगाते हैं गोवर्धन के ऊपर, और गोवर्धन के जीवा में एक तुलसी का पत्र रख देते हैं। फिर पत्रम पुष्पम फलम तयम यो मे भक्त प्रयाचयता धम भक्ति उपार्थम अस्नामी प्रेतात्मना। भगवान गोवर्धन प्रसन्न हो गए, वो चुप हो गए। अब सब लोग बहुत खुश होकर नाचने लगे, और कहते हैं कि सबसे पहला गोवर्धन परिक्रमा 5000 वर्ष, ये तो दूसरा है, इससे पहले त्रेता युग में हनुमान जी ने किया था गोवर्धन का परिक्रमा, फिर उसके बाद इनका परिक्रमा हुआ, ये दूसरा परिक्रमा था। तो गोवर्धन परिक्रमा प्रतिपात को हुआ, यानी कि दीपावली के अगले दिन हुआ। पर इंद्र को आया गुस्सा, तो बोला ये छोटे से बच्चे ने के बातों में ये लोग आया, अब मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। अब इंद्र जो है, इसलिए भगवद गीता के 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि बड़े बड़े सुर मुझे जानते नहीं हैं, मैं भगवान हूँ कि ये बड़े बड़े देवता भी नहीं जानते हैं, जानते नहीं। 4 नंबर श्लोक में या 5 में भगवान कहते हैं अर्जुन से कि सुर लोग भी मुझे जानते नहीं हैं मुझे। तो फिर इंद्र ने इतना बारिश किया कि जो सुनामी आया था कुछ साल पहले जिसमें चेन्नई डूब गया था वो भी कुछ नहीं था, प्रलय के समय जितना पानी आता है उससे भी ज़्यादा पानी डाल दिया। संवर्तक नाम का जो बादल, ये होता है बादल होता है जिसमें पानी भरा हुआ रहता है, वो कम से कम 25 किलोमीटर लंबा और 25 किलोमीटर चौड़ा रहता है, ऐसा पिलर जैसा होता है, उसे फेंका था। एक एक बूंद से पूरा जो है शहर डूब सकता है, एक के बाद एक। तब सुनामी से भी बढ़कर ये हो गया। तो नंद महाराज बोला अभी देखो हम कैसे बुरे फंस गए, गोवर्धन भी कुछ नहीं कर रहा है, ये भी कुछ, और पानी यहाँ तक आया, छाती तक आया, यहाँ तक आया। तब सब लोग कृष्ण कृष्ण बोले, तब कृष्ण बोला कोई बात नहीं, जिनको हमने खिलाया जिनको हमने पिलाया वही हमारा आज रक्षा करेगा,
आओ और सबको गोवर्धन के उधर लेके। अच्छा, इतना देर क्यों कृष्ण सबको रुकाया था? क्योंकि सब लोग अपना अपना प्रयास कर रहे थे, और जब उनका प्रयास फेल हो गया था, ब्रजवासियों का एक है कि जब वो पूरी तरह से फील करते हैं कि अब हमारे पास कोई नहीं, कृष्ण हमें बचाओ बोलते हैं, और जैसे बोले कृष्ण हमें बचाओ तो कृष्ण रुके थे, एक पुकार हमारी ओर से हो कि कृष्ण हमारा रक्षा करो, जैसे द्रौपदी का भी, पर हम अपना प्रयास करते रहेंगे तो कृष्ण अपने इसमें रहेंगे। जैसे जब तक हम कृष्ण का नाम नहीं लेंगे, कृष्ण अपने धाम में रहेंगे, और जैसे हम कृष्ण का नाम लेंगे, कृष्ण हमारे काम में आ जाएंगे। तो तुरंत कृष्ण द्रौपदी को भी बचाया और ब्रजवासियों को लेकर गए और एक पत्थर पे चढ़े, और गोवर्धन को देखते ही देखते उठाया एक हाथ से, बाएं हाथ से, और भी बाएं हाथ के छोटे उंगली से, और गोवर्धन कितना बड़ा है, यहां से लेके वेशु से लेके जांगीरपुरा कितना, 26 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर, उसका डबल है आने जाने का रास्ता, उतना लंबा उसका सर्कमफ्रेंस है। तो उठाया एक दिन के लिए नहीं, दो दिन के लिए नहीं, चार दिन के लिए नहीं, सात दिन तक उठाया थे, और ये था दुनिया का सबसे पहला लॉकडाउन। हम लोग 2020 में लॉकडाउन मनाए थे, पर ये था सबसे पहला दुनिया का लॉकडाउन। पर इस लॉकडाउन में किसी को परेशानी नहीं थी, सब लोग खुश थे। सब लोग इसलिए खुश थे क्योंकि जो लाभ यशोदा मैया को मिल रहा था कृष्ण का दर्शन का, सात दिन तक सारे गोपियों को और सारे सारे जितने भी ग्वाला थे उनको भी प्राप्त हुआ। और उस वक्त राधा रानी और जो छोटे छोटे गोपियाँ थी वो लोग भी कृष्ण का खूब दर्शन किए, और कृष्ण भी राधा रानी का खूब दर्शन किया, पर ये किसी को पता नहीं लगा। तो कृष्ण बलराम जी देखने लगे, कृष्ण राधा रानी को देख रहे, तो कृष्ण थोड़ा शर्मा गए, तो थोड़ा थोड़ा जो है पर्वत हिलने लगे, धड़ धड़ धड़, तो सब लोग कृष्ण कृष्ण बोलने लगे। तो इंद्र ने इतना बड़ा अपराध किया, पर कृष्ण उनको माफ़ किया क्योंकि उनके कृपा से सात दिन सात रात तक जो है ब्रजवासियों का संग उनको ज़्यादा मिला। इंद्र पसीना पसीना हो गए, सात दिन तक इतना बारिश डाला, पूरा ब्रह्मांड को मैं डुबा सकता हूँ, पर ये लोग तस के मस नहीं हुए। तब उनको लगा ये जो है छोटा सा बच्चा, वो बच्चा नहीं हम सबका बाप है, वो आया नीचे। तब इंद्र जो आया, पर इंद्र जब गया तो वो बहुत चक्कर खाया था, उसको पता था कि ब्रह्मा जी जो हैं वो उनका स्तुति कर रहे थे, कृष्ण सुने भी नहीं। तो वो गए बृहस्पति के पास, बोला कि बृहस्पति ने बोला कि ठीक है वो कृष्ण है, वो गोकुल में रहते हैं, आप डायरेक्टली जाओगे तो ब्रह्मा जी जैसे 40 श्लोक बोला फिर भी वो प्रसन्न नहीं हुए, आपको तो 400 श्लोक में भी छोड़ेंगे नहीं, तो करूँ क्या? तो बोला कि आप पहले जो है सुरभि को आगे निकालो। तो सुरभि को जैसे लेके आया, कृष्ण बहुत प्रसन्न हो गए, और सुरभि ने जो है कहते हैं कि उन्होंने अभिषेक किया सुरभि के दूध से, और आज भी कहते हैं कि एक दिन साल में आता है कि पूरा गोविंद कुंड जो है वो एक कुंड बन गया था, उसका नाम गोविंद कुंड बन गया था, गोविंद नाम भी उसी लीला से कनेक्टेड है। तो आज भी एक दिन होता है कि गोविंद कुंड का पानी पूरा सफ़ेद हो जाता है, दूध जैसा हो जाता है। बहुत सारे जो है महात्मा लोग गोविंद कुंड के ही निकट अपना जीवन समर्पण करके संकल्प भी लेते हैं, वो लोग कभी कभी देख भी लेते हैं। तो ये था सुरभि, फिर सुरभि के बाद इंद्र आए, ऐरावत भी आए, ऐरावत फिर वो जो दूध था फिर से उसको किसके ऊपर, यमुना का पानी छिड़क रहे थे। तो इस प्रकार से अभिषेक हो गया, फिर आया इंद्र, तो कृष्ण ने माफ़ कर दिया, पर इंद्र तो इंद्र, वो आगे जाके फिर से अपराध करेगा। कहते हैं कि गोवर्धन पूजा से लेके गो नवरात्रि तक, ये जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष का प्रतिपाद बोलते हैं, गोवर्धन पूजा को पहला दिन है, उसके बाद जो नौ दिन होता है ये दुनिया का सबसे पहला नवरात्रि है, गो नवरात्रि कहते हैं, वो कृष्ण स्वयं किया। इसके बाद नवरात्रि का जो है अलग अलग नवरात्रि का, चैत्र नवरात्रि, वो नवरात्रि चालू हो गया। पर असली नवरात्रि जो है जन्मादि ऐसे यथा,
इसका स्रोत भगवान ने किया। गोवर्धन पूजा से लेके 9 दिन का जो गाय का पूजा स्वयं करते थे, गोपाष्टमी वगैरह सब आ जाता है, 9 दिन का जो है गो पूजा ये कृष्ण ने आरंभ किया। और ये गोवर्धन लीला से भगवान एक ही शिक्षा देते हैं, हमें गोवर्धन का पूजा करना चाहिए या कृष्ण का पूजा छोड़कर। गोवर्धन साक्षात कृष्ण है, जैसे चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण भी है, कृष्ण के भक्त भी हैं, इसी प्रकार से गोवर्धन भगवान भी हैं और भगवान के सबसे श्रेष्ठ भक्तों में से एक हैं। एक सुंदर शब्द भागवत में 2 बार आता है, एक युधिष्ठिर महाराज के लिए, एक गोवर्धन जी के लिए, हरि दास वार्य। वार्य का अर्थ होता है सबसे श्रेष्ठ, हरि के दास में सबसे श्रेष्ठ कौन है, तो युधिष्ठिर महाराज के लिए आता है और गोवर्धन। तो भक्त भी है भगवान भी है, जैसे चैतन्य महाप्रभु भक्त भी है भगवान भी है। तो गोवर्धन का पूजा प्रतिपाद से लेके जो है गो पूजा आरंभ होता है, और गायों के लिए खास भगवान ने ये गोवर्धन पूजा किया, पूरा लीला गाय के लिए है। गायों को आनंद देता है इसलिए गोवर्धन, गोपियों को आनंद देता है इसलिए गोवर्धन, गोपों को आनंद देता है इसलिए गोवर्धन, इंद्रियों को आनंद देता है इसलिए गोवर्धन। तो इस प्रकार से वर्धन करते थे। तो आज भी गोवर्धन सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। रूप गोस्वामी पाद कहते हैं सबसे श्रेष्ठ स्थान पूरे ब्रह्मांड में अगर है तो वो वैकुंठ है, पर वैकुंठ से भी बढ़कर जो है गोवर्धन है, गोवर्धन से बढ़कर राधा कुंड है। तो ये गोवर्धन जो है भगवान ने उठाया था, और पहला परिक्रमा दूसरा परिक्रमा 5000 वर्ष पहले, इससे पहले हनुमान ने किया था, और अब उसके बाद सब लोग करते हैं गोवर्धन का। गोवर्धन जो है भगवान के धाम में शाश्वत है, पर कहते हैं कि इसका जो है जन्म पर्वत का राज के उधर हुआ था, और एक ऋषि दक्षिण भारत से आए थे उसे लेने के लिए। ये कथा फिर आप लोग गोवर्धन जी के गोवर्धन पूजा के दिन श्रवण कीजिए। पर यह है कि गोवर्धन जो है आज भी गोवर्धन का जो शिला जिनको मिल जाता है वो साक्षात गोवर्धन का कृपा प्राप्त करते हैं। गोवर्धन का एक परिक्रमा अगर करते हैं, जैसे बहुत सारे भक्त लोग दिल्ली से, हरियाणा से, यूपी से सैटरडे जाते हैं, रातों रात परिक्रमा करते हैं और आते हैं। बॉम्बे से हमारे मंदिर के एक भक्त हैं, हर पूर्णिमा में पति पत्नी परिक्रमा करते हैं। कहते हैं कि गोवर्धन का एक परिक्रमा करने से हमारे मन का एक इच्छा है वो पूरा हो जाता है। जैसे परिक्रमा शुरू करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो एक इच्छा रखो कि ठीक है, मेरा ये इच्छा है कि मैं बहुत अच्छा जप करूं। तो 7 घंटा चलने के बाद फिर से प्रणाम करो तो वो इच्छा पूरा हो जाता है। और इसीलिए श्रद्धा के साथ आज भी लोग शनिवार को, रविवार को दिल्ली, हरियाणा, यूपी से आते हैं, परिक्रमा करते हैं। गोवर्धन साक्षात भगवान हैं और हम सबको कृपा करते हैं। उसका शिला कभी कभी मिल जाता है, पर उसको शिला को लेना नहीं चाहिए, पर उसे कोई ब्राह्मण ने दिया तो रख सकते हैं, उसका पूजा कर सकते हैं। उसका 7 बार परिक्रमा करे तो मन का इच्छा पूरा हो जाता है, ऐसे भी कहते हैं। तो गोवर्धन पूजा के शुभकामनाएं, दीपावली के शुभकामनाएं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सब, हम सब के पर कृपा करें, दिन दुगनी रात चौगनी सुख शांति समृद्धि भक्ति को प्राप्त करें, अच्छे भक्त बने, प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ें, वितरण करें, खूब कृपा प्राप्त करें, औरों को भक्त बनाएं, अपने जीवन को सार्थक करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद आप सबके उत्साह और आप सबके प्यार कि मुझे भी सेवा करने का बहुत बहुत उत्साह प्राप्त हुआ, इसलिए साधुवाद एवं धन्यवाद। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये सुंदर प्रोजेक्ट जो है शीघ्र जो है पूरा हो जाए, और खूब यहाँ पे भक्तों का संख्या का वर्धन हो, ग्रंथ वितरण हो, अच्छे भक्त जुड़ते जाए और खूब अच्छा सेवा होते रहे, और प्रभुपाद जी जो हैं इस सेवा से प्रसन्न रहें, ऐसे कामना करता हूँ। तो राधा चरण प्रभु का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने
बहुत स्नेह के साथ, प्रेम के साथ मुझे सेवा का अवसर दिया। प्रभु जी को हम जब लीड्स में मिले थे लगभग 8 साल पहले, तो उनका बहुत मैंने देखा, वो बहुत गंभीर रहते थे और उनका एक ही इच्छा रहता था, सूरत में प्रचार होना चाहिए, प्रचार होना चाहिए। तो करेक्ट, तो पर प्रभु जी का मैंने देखा, उनका एक ही इच्छा था कि सूरत में प्रचार होना चाहिए, प्रचार होना चाहिए। और सबसे पूछते थे और सूर प्रचार को कैसे और अच्छा बढ़ा सकते हैं, तो यही उनका विचार जो है भगवान जो है स्वीकार कर रहे हैं, उसका ही एक जो है मैनिफेस्टेशन है, उनके मन के जो भाव है वो मंदिर के रूप में प्रकट हो रहा है। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सुंदर मंदिर का निर्माण हो जाए और खूब प्रचार हो। श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन वेशु की जय, निताय गौर हरि प्रेमानंदे। It was